Hello students, let's understand this question. A balloon with mass m is descending down with an acceleration a, where a is less than g. How much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration a? Okay, question kya bol raha hai? Hamare paas ek balloon hai jo ki downward movement kar raha hai with an acceleration a. Hame pata karna hai ki us balloon mein se kitna mass hum hata dein कि जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ होने लगे विद एन एक्सेलरेशन ए. ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा बलून है. ठीक है, ये बलून जो है ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है इसका. हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि यही बलून ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कब करेगा अगर इसके अंदर से कुछ मास हम लोग निकाल दें. ठीक है, तो अभी हम मान लेते हैं कि इसका मास m है और यहां से m नॉट मास निकालने के बाद इसका मास बचता है m डैश. हम इसको मान लेते हैं तो m में से m नॉट हमने निकाल दिया है तो हमारे पास क्या बचा है, m डैश. ये हमें पता है चीजें. ठीक है, तो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, एनालाइज करते हैं दोनों कंडीशंस को, दोनों कंडीशंस में क्या हो रहा है. ठीक है, चलिए इसका अगर मैं एफबीडी बनाता हूं तो इस पे एक mg नीचे की तरफ लगेगा, ऊपर एक एयर रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा F. ठीक है, अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूं इसका तो क्योंकि नीचे मूवमेंट हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो mg माइनस F इज इक्वल्स टू ma. सिमिलरली अगर इसका FBD बनाता हूं तो m डैश g डाउनवर्ड्स और ऊपर की तरफ वही F लगेगा जो कि एयर रेजिस्टेंस है. ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, उसको मैं लिखूंगा F माइनस m डैश g इज इक्वल्स टू m डैश a. ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन है हमारा और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू है. इन दोनों को हम अब सॉल्व करते हैं. ठीक है, आइए mg माइनस f इक्वल टू ma एंड f माइनस m डैश g इज इक्वल्स टू m डैश a. ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए. हमें क्या मिलने वाला है, यहां से ये F से F कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा mg माइनस m डैश g इक्वल टू ma प्लस m डैश a. ठीक है, अब बेसिकली हमें करना क्या है, हमें m नॉट की वैल्यू निकालनी है तो हम m डैश की जगह पर m नॉट पुट कर देंगे हमारी इक्वेशन में और उसको सॉल्व करते जाएंगे. क्या हमें मिलने वाला है यहां से, m माइनस m डैश की जगह में क्या रख दूंगा, यहां से इंटू g इक्वल टू m प्लस m माइनस m नॉट इंटू a. ये इक्वेशन में ऊपर लिख चुके हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो m माइनस m नॉट This will be m not g. यहां से m कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. इधर मुझे मिलेगा m प्लस m इज 2 ma और माइनस m not a. इसको इधर ले आए तो क्या मिलेगा मुझे, m not g प्लस a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ma. यहां से मुझे मिलता है m not की वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 ma अपॉन जी प्लस ए. ओके, तो द अमाउंट ऑफ मास विच नीड्स टू बी रिमूव्ड, मास विच शुड बी रिमूव्ड फॉर द अबव कंडीशन टू बी ट्रू एम नॉट इज इक्वल टू 2 ma upon g plus a, which is I think option number a. Option a or a is our answer. Thank you.